नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त की खास खबर। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को राज्य सरकार ने दिए कई अधिकार, अब रात को भी मेडिकल स्टोर खुलवाकर कर सकेंगे जांच। श्रीगंगानगर में नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। नकली दवा बनाकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को कई अधिकार दे दिए हैं। अब ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को किसी संदेह के आधार पर जरूरी लगता है तो वह मेडिकल स्टोर खुलने और बंद होने के नियमित समय के बाद भी रात को भी दुकान को खुलवा कर जाँच कर सकेगा। सहायक ड्रग कंट्रोलर अशोक मित्तल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उपशासन सचिव ने जो आदेश जारी किए हैं उनके तहत ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को शाम 5 बजे के बाद तो जांच का अधिकार मिल ही गया है। इसके अलावा 7-8 बजे मेडिकल स्टोर बंद होने के बाद रात को दुकान को खुलवाकर जांच करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। लेकिन ऐसा करने से पहले ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को सहायक ड्रग कंट्रोलर को अवगत करवाना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को 1 महीने में 20 मेडिकल स्टोर्स की जांच करने का जिम्मा दे दिया है। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जांच कर सकेंगे। इससे पहले उन्हें ज्यादातर उच्चाधिकारी ही जांच का लक्ष्य दिया करते थे। मित्तल ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अस्पतालों में वितरण के लिए पहुंची दवाइयों के सैंपल लेने का अधिकार भी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को दे दिया है। मित्तल ने बताया कि ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को अधिकार संपन्न बनाए जाने से नकली दवाओं की बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकेगा, साथ ही दवा की दुकानों पर अनियमितताओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।